नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम केस स्टडी करेंगे सुल्तानपुर में हुए ट्रेन हादसों के बारे में। दोस्तों, 16 फरवरी को सुबह सुल्तानपुर में दो मालगाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था। यह एक्सीडेंट स्टेशन के दक्षिणी केबिन के पास हुआ था। यह हादसा इतना भयानक था कि वैव 12B, जो हमारा इलेक्ट्रिक इंजन होता है, उसके खच्चे उड़ गए थे, बीच से वह टूट गया था। और जो मालगाड़ी के जो 6 डिब्बे थे और पटरी से डिरेल हो गए थे। बाद में जो ये एक्सीडेंट हुआ था, इस पर रेलवे ने एक जांच कमेटी बिठा दी थी। लेकिन आइए हम जानते हैं कि जो यह एक्सीडेंट हुआ था, इसके होने का मुख्य कारण क्या था, किस कारणों से यह एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों, इस एक्सीडेंट के पीछे दो मुख्य कारण सामने आ रहे हैं। पहला कि लोको पायलट ने जो सिग्नल है उस पर ध्यान नहीं दिया, और दूसरा कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा जो सिग्नल होता है सही समय पर उस ट्रेन को नहीं दिया गया था। हालांकि जब जांच कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा तो यह साफ हो जाएगा कि एक्सीडेंट का मुख्य कारण क्या था। एक RTI में पूछा गया था, एक संवाददाता ने रेलवे में RTI दाखिल करके पूछा था कि रेलवे में होने वाले हादसों का मुख्य कारण क्या होता है। तो रेलवे ने जवाब देते हुए कहा था कि 57% रेलवे में एक्सीडेंट का मुख्य कारण जो रेल कर्मचारी होते हैं उनकी लापरवाही के कारण होता है, और बाकी के जो एक्सीडेंट होते हैं ट्रेन के पटरी उतरने के कारण होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था सुल्तानपुर में 16 फरवरी को, यह एक मानवीय भूल था या एक जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के कारण यह एक्सीडेंट हुआ था। बाकी आपकी क्या राय है आप इस हादसे के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।